उड़ना तो हम सभी चाहते हैं ना, पर उड़ तो वही पाता है जिसमें मुश्किलों के बादल को चीरने का जज्बा है। आज की कहानी ऐसी ही एक नारी की है जिसने आज़ादी के दौर में देश की पहली महिला पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिनसे आज हमारा देश गौरवान्वित है। जी हाँ साथियों, आज हम भारत देश की पहली महिला पायलट सरला टकराल जी के जीवन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने साड़ी पहनकर प्लेन उड़ाया था। 1936 में सरला टकराल परंपराओं को तोड़ते हुए एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने जिप्सी मौत को अकेले ही उड़ाने का कारनामा कर दिखाया था। खास बात यह थी कि उन्होंने वर्ष 1936 में पहली बार साड़ी पहनकर हवाई जहाज उड़ाने का गौरव हासिल किया था। ऐसा करने वाली भी वह भारत की पहली नारी थी। साथ ही साथ उस समय वह एक 4 साल की बेटी की माँ भी थी। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? अगर नहीं तो बता दें कि भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में महिला पायलटों के अनुपात में सबसे ऊपर है। यहाँ के आसमान में महिलाएं राज करती हैं। इस समय भारतीय विमान कंपनियों में करीब 12.4% महिला पायलट हैं, जो विश्व औसत 5.4% से काफी अधिक है। देश की महिलाओं को आसमान में उड़ने के लिए यह पंख दिए थे भारत की पहली महिला पायलट सरला टकराल जी ने। सरला टकराल जी का जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली के एक नामी परिवार में हुआ था। सरला की शादी महज 16 साल की उम्र में पायलट पीडी शर्मा के साथ हो गई थी। सरला को लोग प्यार से मती कहते थे। सरला जी की शादी जिस परिवार में हुई थी उस परिवार में 9 सदस्य थे और सभी पायलट थे। शादी के बाद पीडी शर्मा जी ने सरला में उड़ान भरने और विमान के बारे में जानने की जिज्ञासा देखी, जिसके कारण उन्होंने सरला को एक पायलट बनने के लिए कहा। शुरुआत में तो समाज के डर से सरला ने कई बार मना कर दिया, पर आखिर में उनके पति ने उन्हें मना ही लिया। इतना ही नहीं, सरला के परिवार में बाकी सब भी खुश थे कि वे पायलट बनने को तैयार हैं। पायलट ट्रेनिंग के लिए सरला का दाखिला उनके ससुर ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में करवाया। इस फ्लाइंग क्लब ने आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी थी। आज वहां एक महिला साड़ी पहनकर प्लेन चलाना सीखने आई थी। फ्लाइंग स्कूल के लिए ये एक बहुत ही अलग स्थिति थी। सरला का एक प्लेन के किताबी और वास्तविक रूप से परिचय कराया गया। सरला की रुचि अपने काम के प्रति इतनी अधिक थी कि हर सवाल का जवाब उनकी जुबान पर था। सरला की इस हाजिर जवाबी को उनके ट्रेनर ने देखा और महज 8 घंटे के अंदर ही उन्हें सरला पर इतना विश्वास हो गया। सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उन्होंने साल 1936 में लाहौर में जिप्सी मौत नाम का 2 सीटर विमान उड़ाया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय परंपरा का मान रखते हुए साड़ी पहनकर अपनी पहली सोलो फ्लाइट में उड़ान भरी थी। उस दिन सरला ने न सिर्फ अपना फ्लाइंग टेस्ट पास किया बल्कि उन्होंने सोच लिया कि वो इसे और आगे तक ले जाएंगी। जब सरला ने अपनी पहली उड़ान भरी तो वह न सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि एक 4 साल की बेटी की माँ भी थी। फ्लाइंग टेस्ट पास करने के बाद सरला अंदर से पायलट बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। सरला को अपना पहला ए लाइसेंस हासिल करने के लिए करीब 1000 घंटे तक प्लेन उड़ाने का अनुभव करना था। वह उस समय महज 21 साल की ही थी जब उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी। पहला लाइसेंस मिलने के बाद सरला ने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने जोधपुर में टेस्ट देना था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें खबर मिली कि एक प्लेन के हादसे में उनके पति की मृत्यु हो गई है। यह सदमा उनके लिए बहुत बड़ा था, मगर उनके पति की इच्छा थी कि सरला एक पायलट बने, इसलिए उन्होंने जोधपुर जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उन्होंने अपना लाइसेंस पाया और सोचा कि एयरलाइंस में अपना करियर शुरू करें, मगर उससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण सरला को जोधपुर से लाहौर वापस आना पड़ा। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरला टकराल ने हार नहीं मानी। उन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसे अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, वहां से फाइन आर्ट्स और चित्रकला की पढ़ाई पूरी की। फाइन आर्ट्स और चित्रकला का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पेंटिंग और डिजाइनिंग से अपने नए करियर की शुरुआत की। महिलाओं के बीच उनके बनाए डिजाइन काफी प्रसिद्ध भी हुए।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे ही उन्हें लगा कि उनका बिजनेस सही से चल पड़ा, उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया। लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, जिसके कारण उन्हें अपने दोनों बच्चियों के साथ भारत वापस आना पड़ा। यहाँ पर उन्होंने परिवार के लिए अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया। विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं को उनके बनाए डिजाइन काफी पसंद आए। कई सालों तक सरला इसी तरह से अपना बिजनेस चलाती रही और 15 मार्च 2008 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी ये प्रेरणादायक कहानी साहस और आत्मविश्वास की एक अनूठी कहानी है। उनकी जिंदगी का संघर्ष और उसके बाद मिली सफलता आगे आने वाली महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। तो चलता हूँ साथियों, मिलूंगा आपसे फिर अगले संडे रात 9 बजे ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय नारी शक्ति।